ये भागवत का मंगलाचरण। और इस प्रकार से आप सोचिए सवा सौ अर्थ जो किए हैं तो कैसे कैसे अद्भुत भाव एक एक अक्षर से निकाले होंगे। इसलिए भागवत रत्नाकर है, महासमुद्र है। आचमन करने वाले आचमन भी कर लेते हैं, दर्शन करने वाले दर्शन भी करते हैं, डुबकी लगाने वाले डुबकी भी लगा लेते हैं और गोताखोर गहराई तक गोते लगाते हैं, पार कोई नहीं पाते। अनंत है रत्नाकर। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वान इसमें, ये परमहंसों की अद्भुत संहिता है। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है। विशेष्याधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम् सद्यो हृद्य वरोदते कृतवे शुश्रूषवे। इसमें तीन बार अत्र 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 कहा। क्यों? अत्र श्रीमद् भागवते प्रौज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस श्रीमद् भागवत में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र शब्द के द्वारा ध्वनि है अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्कपट परम धर्म की विवेचना आपको भागवत में प्राप्त होगी वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया। प्रौज्झित कैतवः प्र उपसर्गेण मोक्ष संधि अभिनिरस्ता। अर्थात निष्कपट परम धर्म का मतलब भगवान, जीव का परम धर्म क्या है? भगवान में प्रीति। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवत चरणारविंद में अनुराग ही करना ही जीव का परम धर्म है। पर वो अनुराग वह प्रीति कैसी हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना ना हो। संसारिक लौकिक भौतिक बातें तो छोड़ दो, मोक्ष की भी कामना मन में न उठे। गति न चहो निर्वाण, कुछ भी इच्छा जिसमें न हो, ऐसी निष्काम भगवत भक्ति जहां कोई कामना नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता निष्कपट और निष्काम। एक आचार्य अर्थ करते हैं अत्र परमा। अत्र परमा का अर्थ करते हैं न विद्यते त्रपा। अत्रपा, त्रपा माने लज्जा। न विद्यते त्रपा लज्जा दंडवत प्रणत्यादिषु स अत्रपा वैष्णवाः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रपा। अत्र परमः, अत्र परम का अर्थ है माने जिनको संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत लेटने में प्रणाम करने में किंचित किसी भी प्रकार की कोई लाज शर्म नहीं लगती। कहीं भी बीच रस्ते में कोई वैष्णव संत मिल गया तो साष्टांग लेट गए। अत्र परमो, अत्र परमः तो न विद्यते त्रपा नामोच्चारण दंडवत प्रणत्यादिषु स अत्रपाह वैष्णवाह ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्र परमः। ऐसे वैष्णव जिस ग्रंथ में निरंतर रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, शब्द शब्द का रसास्वादन करते हैं, ऐसा यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अथवा न विद्यते त्रपा स्त्रियादि दर्शनेषु स अत्रपाह श्री सुखदेवादयः। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। कोई स्त्री हमको देखकर हमारा उपहास कर रही है या हमसे अनुराग कर रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं संसार से। तो न विद्यते त्रपा स्त्री आदि दर्शनेषु स अत्रपा सुखदेवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्र परमः। सुखदेव जैसे परमहंस
जिसमें रमण करते हैं, ऐसा परम भागवतों का प्राण धन श्रीमद भागवत महापुराण है। यद वैष्णवानाम धनम धर्म प्रोजद कैतवोत्र परमो, ये तो प्रतिपाद्य विषय है, परंतु अधिकारी कौन है इसके सुनने का? निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम निर्मत्सरः। जिनके हृदय से मच्छर मर गया हो, अरे हृदय में भी मच्छर होते हैं क्या? बोले बाहर के मच्छर से ज्यादा खतरनाक भीतर वाला मच्छर होता है। बाहर के मच्छरों से बचने के तो वैज्ञानिकों ने बहुत उपाय बता दिए, कई आविष्कार कर दिए, ऑल आउट लगाओ मच्छरों से छुट्टी पाओ, कछुआ छाप जलाओ, कुछ ना मिले तो मच्छरदानी में घुस जाओ, बहुत उपाय। पर ये जो भीतर मत्सर घुसा हुआ है, मच्छर और मत्सर में बस थोड़ा ही तो अंतर है। मत्सर माने मत्तः अग्रेसरति, ये मुझसे इतना आगे निकल गया, कल तक ये कुछ भी नहीं था, मेरे देखते देखते क्या हो गया, अब मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं पर इसको जहां की तहां पहुंचा के छोड़ूंगा, इसी का नाम है मात्सर्य। ऐसे मात्सर से जिसका हृदय प्रदूषित है उसको भागवत का लाभ नहीं मिलेगा। निर्मता निर्गता मत्सर, मच्छर मार दिया, मच्छर जिसने अपने भीतर से निकाल दिया, कैसे पता चले? बोले दूसरों की तरक्की, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के उत्कर्ष से आपको आनंद आने लगे कि वाह वाह भगवान की कैसी बड़ी कृपा बरस रही है इस पर, हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया, भगवान ऐसी कृपा सब पर करते रहे, तो दूसरों की महिमा प्रतिष्ठा आपको आह्लाद प्रदान करने लगे, तब जान लो आपका मच्छर मर गया। बोलो प्यार से राधे राधे, राधे राधे। पर आजकल तो हमने कई जगह देखा कि भागवती लोग मात्सर्य के वशीभूत कराते हैं, अरे साहब फलाने ट्रस्ट ने इतना जोरदार कार्यक्रम कराया, पूरे शहर में छा गया, बड़ा जोरदार कार्यक्रम, अब की बार अपन भी ऐसा कराएंगे साहब, उससे 21 हो गए तब तो अपनी बात बने, इतने हजार की तो शोभा यात्रा होगी, उसमें हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, तहलका मच गया पूरे क्षेत्र में, यहां हमने भी कोई कार्यक्रम कराया। तो जिस भागवत में शर्त ही व्यास जी रख रहे हैं कि निर्मत स्वरो के कराना तो फायदा होगा, वहां उसका आधारशिला ही मात्सर से खड़ी हुई है, तो बताइए फिर भागवत से कैसे लाभ होगा? इसलिए निर्मत सर होकर के कहे सुने, गौ माता का दूध दिव्य अमृत है, और नेक भी खट्टे बर्तन में धर दोगे सारा दूध फट जाएगा। ऐसे ही मात्सर युक्त हृदय से आप सुनप श्रवण करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। निर्मत सराणाम सताम, यह अधिकारी है, फायदा क्या होगा, क्यों सुने हम? तो फायदे के नारे हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमो। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया व्यास जी ने, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम नान्यत्र, अत्रैव वास्तव वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु का जितना बोध आपको श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगा वो अन्यत्र नहीं। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीव है, वास्तवी माया, वास्तवम जगत, ये जीव है, जगत है, माया है, ये सब वास्तव तत्व से जाने जाते हैं। तो जीव जगत माया का आपको वास्तव ज्ञान हो जाएगा, वास्तव वस्तु का सही बोध हो जाएगा, उसके बोध होने से क्या होगा? शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति, आपका परम कल्याण हो जाएगा। सिर्फ कल्याण ही नहीं होगा, तापत्रयोन्मूलनम, जब तक इस संसार में आप हैं आपके जीवन में कोई भी ताप आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। त्रिताप की चर्चा कल आप सुनिए ही थे, दैहिक दैविक भौतिक, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप शांत नहीं होते,
समूल उच्छेद हो जाते हैं। भाई एक तो ज्वर आया, बुखार आया, किसी ने गोली दे दी, उतर गया, दूसरे दिन फिर आ गया, तो अभी उसका उच्छेद नहीं हुआ, बना हुआ है, वो तो थोड़ी देर के लिए आपने शांत कर दिया, मिटा नहीं, पर कोई ऐसी दवा दे दे कि अब दोबारा बुखार ही नहीं आएगा, तो समझ लो बुखार का उच्छेद हो गया, ज्वर समाप्त हो गया। ऐसे ही ये तापत्रय का ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ताप में भी तो ज्वर में भी तो ताप आ जाता है ना, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो संसार का भी ज्वर हमको इतना प्रभावित करता है, तमाम प्रकार के क्लेश संसार के ये ज्वर की तरह हमें तपाते हैं। और भागवत क्या है, दारिद्र दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाची परमर्दितानाम, माया की पिशाचनी हम पर चढ़ी हुई है, दुख दारिद्र संसार के प्रपंच हमें ज्वर की तरह दिन रात तपाते रहते हैं, तो माया पिशाची को और संसार के ज्वर में दग्ध हुए जीवों को तापत्रयोन्मूलनम सब प्रकार के तापों से मुक्त कर देती है भागवत की कथा। तो तापत्रयोन्मूलन हो जाए, हमारा शिवदम कल्याणम हो जाए और वास्तव वस्तु का हमें बोध हो जाए, ये भागवत का उद्देश्य है, प्रयोजन है।